डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी कर्नूल जो कि रियासत आंध्र प्रदेश में है, उसका आज पहला, दूसरा और तीसरा कॉन्वोकेशन आज बतारीख 19 मार्च 2021 को बरोज़ जुमा एक प्राइवेट होटल में मुनक्किद हुआ, जिसमें 153 तुलबा को डिग्रियां तकसीम की गई, जिनमें अंडर ग्रेजुएट के 44 और 111 के पोस्ट ग्रेजुएट तुलबा थे, और वहीं 10 तुलबाओं को जो कि उन्हें बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर के तहत गोल्ड मेडल्स से नवाजा गया। जलसे का आगाज कौमी तराने के साथ और नज्म के साथ किया गया, और डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मुजफ्फर अली शाहमीरी ने डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी की बुनियादी से लेकर आज तक के बारे में बताया। उसके बाद जनाब बिश्व भूषण हरिचंदन, हॉनरेबल गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश और चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन में डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी में हुए पहले, दूसरा और तीसरा कॉन्वोकेशन पर तुलबाओं को मुबारकबाद दी, और साथ ही साथ प्रोफेसर मुजफ्फर अली वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी को भी उन्होंने खुसूसी मुबारकबाद पेश की। प्रोफेसर मुजफ्फर अली वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर श्रीवासलू रजिस्ट्रार, all the faculty members, graduates who are receiving their degrees today, parents and other dignitaries, a very good morning to you all. It indeed gives me immense pleasure, joy to amidst you all the celebrating this important occasion. I have been closely following the developments of all the new universities in the state. I'm happy to know that these newly established universities are progressing in the right direction. The Urdu University is one of such universities that has slowly learned to thrive in spite of many shortcomings. और साथ ही साथ रियासत आंध्र प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर आदिमूलपु सुरेश ने भी ऑनलाइन में आकर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के कामयाब तुलबाओं को उनके कॉन्वोकेशन पर मुबारकबाद पेश की। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज, साबिका वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने तुलबा के साथ अपने ख्याल जाहिर किए। आप सब लोग खुशकिस्मत हैं कि इस इलाके में, इस खत्ते में डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी का क्याम अमल में आया। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मुजफ्फर अली शाह ने कॉन्वोकेशन लिए तुलबाओं को हलफ दिलवाया। इस प्रोग्राम में कर्नूल एमएलए हफीज खान और उनके वालिद जनाब मोहम्मद अब्दुल मोइस खान भी शामिल थे। खिदमत भी इंसाफ की तरह पहले रिश्तों से शुरू होती है। आपने क्या खिदमत करी अपने घर में अपने पेरेंट्स की, या हमेशा ये कह के कि अम्मा होमवर्क बहुत है, काम करना, असाइनमेंट लिखना है, ये तुम कर लो, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकता। कभी किचन में हेल्प नहीं करी, घर के काम में हेल्प नहीं करी, ग्रोसरीज की शॉपिंग में, बाजार से सौदा लाने में हेल्प नहीं करी, हमेशा ये बहाना या इल्जाम लिया कि काम बहुत है, मुझे काम करना है। आप इसकी सच्चाई आप जानते हैं या वो परमात्मा ऊपर वाला जानता है जो सब कुछ जानता है। इंसाफ किया नहीं किया, जवाबदेह आप होंगे, मैं नहीं होऊंगा, मैं अपने लिए जवाबदेह हूं। लेकिन नहीं किया तो करिए। मैं अक्सर अपने बच्चों से पूछता था कि सुबह उठ के पैर छुए माँ बाप के, नहीं किए प्रणाम किया, सलाम किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। यू स्टार्ट योर डे विद थैंकफुलनेस, ऊपर वाले का शुक्र कीजिए, माँ बाप का शुक्र कीजिए। ये चीजें खत्म हो रही है, इसलिए आपको बता इनकी अहमियत बताना चाहता हूं। वक्त थोड़ा सा इस वक्त मेरे पास, लेकिन अहमियत इसलिए कि मुझे कल की नस्लें दिखती हैं, मुझे आप में बच्चियों में कल की माए और इन बच्चों में कल के बाप दिखते हैं। आप कुछ सीखेंगे तो अगली नस्लों को कुछ सिखाएंगे। अगर ये संस्कार, ये रिवायतें, ये तहजीब हमारी खत्म हो जाती है तो हमारे पास क्या बचेगा? शायद वही
रॉबर्ट्स जिनको अब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गोश्त पोस्ट के होंगे और कुछ स्टील या एल्युमिनियम और टाइटेनियम के होंगे। तो खिदमत घर से शुरू होती है। माँ बाप की खिदमत कीजिए, हेल्प कीजिए, लोगों की दिल जीतिए, आस पड़ोस के लोगों की खिदमत कीजिए, अपनी कम्युनिटी की खिदमत कीजिए। और एक सबसे बड़ी खिदमत ये हो सकती है कि आपके अपने आसपास देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अगर पढ़ते होंगे तो उनके पेरेंट्स ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, क्या आप उनको पढ़ा सकते हैं? क्या आप उनको मुफ्त पढ़ा सकते हैं? क्या आप किसी झोपड़पट्टी में जाके वहाँ के बच्चों को इकट्ठा करके, जिनके जिस्म पे पूरे कपड़े भी नहीं होते, जो बहुत नहाए धोए भी नहीं होते, क्या उनसे आप इंसानियत का रिश्ता बना सकते हैं? उनके सर पे मोहब्बत का हाथ रख सकते हैं? क्या उनको कुछ खा ABCD सिखा सकते हैं? अगर सिखा सकते हैं तो आपने तालीम पाई है, अगर नहीं सिखा सकते तो आपको सिर्फ डिग्री मिली है जो एक कागज का पुर्जा है। क्योंकि तालीम जो तसव्वुर देती है इंसान दोस्ती का और इंसानियत का, वो बुनियादी चीज है। डिग्री अहम नहीं होती, आप उस डिग्री को लेके क्या कर रहे हैं ये बहुत अहम होता है। आज आपके लिए यकीन खुशी का मौका है कि आपने डिग्री हासिल करी, लेकिन उस डिग्री का आपकी शख्सियत पे क्या असर हुआ? अगर आज थोड़ा सा वक्त मिले आपको रात को, तो सोने से पहले ये सोचिएगा कि ये 3 साल या 5 साल या 2 साल का जो कोर्स मैंने किया, इस 2 साल में मेरे अंदर क्या तब्दीली आई। और इन तब्दीलियों में वो मत गिनिएगा कि मैंने कैसे कपड़े पहनने सीख लिए, कैसा फैशन सीख लिया, क्या बोली का लहजा सीख लिया, क्या स्लैंग सीख लिया, क्या फैशन सीख लिया, कैसे अपने आप को सजाना सीख लिया, ये सबको हटा दीजिएगा अलग। अपने अंदर में, आपकी सीरत में, आपके अंदर आत्मा में क्या चेंज आई है, क्या तब्दीली आई है, उसको नोट कीजिएगा। अगर इस तालीम के दौरान में आपके अंदर कुछ ऐसी तब्दीली अच्छी आई हैं तो आपकी तालीम कामयाब है। और वो अच्छी तब्दीलियों में बुनियादी चीज ये है कि डू यू थिंक फॉर अदर्स, डू यू वर्क फॉर अदर्स, क्या आप दूसरों के लिए सोचते हैं, क्या आप दूसरों के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं बिना मुआवजा, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न्स। किसी रिटर्न के एवज नहीं, किसी मुआवजे के लिए नहीं, बल्कि खिदमत के जज्बे से क्या आप लोगों की खिदमत के लिए तैयार हैं। ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यहां से अगर इस मैसेज को आप लेके जाएं कि आपने जो कुछ हासिल किया है उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे, और उसमें पहली चीज मैं समझता हूं जो पहले दिन से आपने देखी होगी वो मोहब्बत, मेहनत और खिदमत ही देखी होगी। ये 3 स्टार यहां से लेके जाइए, जो काम करें मोहब्बत से कीजिए, मेहनत से कीजिए, खिदमत के जरिए से कीजिए। जो रिश्ते कायम करें मोहब्बत से कायम कीजिए, मेहनत से उन्हें बरकरार रखिए, खिदमत से उन्हें जिला बख्शिए। जब मोहब्बत से रिश्ते करने की बात आती है तो मैं बिल्कुल, दिस इज योर एप्ट एज, बिल्कुल मुनासिब वक्त है जिसमें मैं आपके रिश्तों की बात भी करूं। इस रिश्ते में हमारे यहां बहुत हरामखोरी होती है, मुझे माफ कीजिएगा इस लफ्ज को इस्तेमाल करने के लिए, जहेज की शक्ल में, डौरी की शक्ल में, जोड़े घोड़े की शक्ल में। याद रखिएगा, कुरान मैसर और खुम्र दोनों चीज को हराम कह के मना करता है। खुम्र कहते हैं फर्मेंटेड लिक्विड्स, जिसको नशा हम तौर से तर्जुमा करते हैं, और मैसर का तर्जुमा हम करते हैं जुआ। अगर आप कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ें तो उसमें जुए और शराब को, गैमलिंग एंड लिकर्स आर प्रोहिबिटेड। पहला कॉन्वोकेशन डॉक्टर अब्दुल्ला की यूनिवर्सिटी का हमने अभी मुनक्किद किया था, अभी वक्तताम पेजीर हुआ है। हमारी यूनिवर्सिटी का एक उसूल हमने ये रखा है कि मोहब्बत, मेहनत और खिदमत। हम चाहते हैं कि हमारे तलबा ये सीखें मोहब्बत कैसे करें, यानी अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने माशरे के साथ और अपने वतन के साथ मोहब्बत करें, क्योंकि मोहब्बत दिल को ज़िंदगी देती है और दिल को खुश रखती है और आपकी हयात लंबी करती है। तो मोहब्बत पहली चीज़ है। उसी मोहब्बत के साथ, अपने सब्जेक्ट की मोहब्बत के साथ मेहनत कीजिए और इल्म को हासिल कीजिए, हुनर को हासिल कीजिए। फिर इन दो चीज़ों से जो चीज़ हासिल होती है उसके ज़रिए से आप अपने समाज की, अपने सोसाइटी की, अपने मुल्क की खिदमत कीजिए, कि यही इल्म का असली मकसद है।
मुझे उम्मीद है कि मेरे तलबा, हमारे जो तलबा और तालिबात हैं, हमारे इस पैगाम को समझेंगे और सारी दुनिया में इसको फैलाएंगे। बेहद शुक्रिया। कन्वोकेशन प्रोग्राम में आज ऑनरेबल गवर्नर साहब, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब और एक्स वीसी मानू और रायसीमा यूनिवर्सिटी के वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब, वीसी साहब और यहाँ के पूरे स्टूडेंट्स एंड उर्दू वर्ल्ड से बहुत डिस्टिंग्विश्ड के सब यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है और आने वाले दिनों में उर्दू यूनिवर्सिटी को और बेहतर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट साथ देने के लिए तैयार है। और अभी एक यूनिवर्सिटी एक टेम्प्ररी बिल्डिंग में है, इसको परमानेंट बिल्डिंग में, परमानेंट स्ट्रक्चर में लेके आना बोलकर मैं ऑलरेडी ऑनरेबल सीएम साहब को रिप्रेजेंट करा हूँ। आने वाले दिनों में ज़रूर हम लोग जो है एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उर्दू कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उर्दू लैंग्वेज के को इम्प्रूव करने के लिए, उर्दू लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो चीज़ें की ज़रूरत है इस यूनिवर्सिटी में, वो सारे के सारे चीज़ें भी ऑनरेबल सीएम श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब करने के लिए तैयार हैं। वो उर्दू यूनिवर्सिटी से और उर्दू लैंग्वेज से मोहब्बत रखते हैं, आने वाले दिनों में इस यूनिवर्सिटी को और स्ट्रेंथन करती भी जाएंगी हमारी गवर्नमेंट। आज उर्दू यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कन्वोकेशन था, जिसमें आज मुझे आने का मौका मिला और आने के बाद मुझे बेहद खुशी हुई कि इस वक्त बहुत ही कम तादाद से शुरू होकर अब 400 स्टूडेंट्स तक आ गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि तादाद और बढ़ती जाएगी और हम सबको कोशिश करना चाहिए कि 400 से 4000 हो जाए और यूनिवर्सिटी। मैं प्रोलिकन है ना 2018-20 बैच एमएससी कंप्यूटर्स कंप्लीट చేశాను డాక్టర్ అబ్దుల్ గుడ్ యూనివర్సిటీలో। సో నేను యూనివర్సిటీ టాపర్ అండ్ నాకు ఈ మెడల్ వచ్చింది అని అంటే మోస్ట్లీ మా సార్ వాళ్ళు సపోర్టింగ్ అండ్ వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ ద్వారా మేము చేసుకున్నాం అండ్ మోస్ట్లీ మా మమ్మీకి కానీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను। సో షీ ఈజ్ సో సపోర్టివ్ ఫర్ మీ। సో ఫ్యూచర్లో ఇలానే మంచి ప్రొఫెసర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను। థ్యాంక్ యూ। పేరు శ్రీ మౌనిక ప్రసన్న, నేను డాక్టర్ అబ్దుల్ హక్ ఉర్దూ యూనివర్సిటీలో పీజీ కంప్లీట్ చేశాను, ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ అవార్డు వచ్చింది। నన్ను ఎంచుకున్నందుకు విసి సార్కి చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు అండ్ నా స్పాన్సర్కి కూడా చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్స్ అండి। MA English 2017-19 batch, P. Mohsena Begum. Fauzia Khatun, Gold Medal in MA Economics 2017-19 batch, Serene. It's my pleasure to welcome you, sir. Gold medal for computer science. To the Mehdi Ali Khan gold medal for best performance in MBA. Shobha Rani 2018-20 batch. And finally, it is also a pleasure to welcome सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।